इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में आंधी की वजह से खंडित हुई सप्तऋषियों की प्रतिमा को फिर से स्थापित कर दिया गया है और विधि विधान के साथ महाकाल लोक में उनको विस्थापित किया गया है। इससे पहले जून महीने में तेज आंधी और पानी की वजह से महाकाल लोक में सप्तऋषियों की प्रतिमा खंडित हो गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर जिला प्रशासन ने सप्तऋषियों की सातों नई प्रतिमाएं स्थापित करने का फैसला लिया था। 15 अगस्त को नई प्रतिमाएं उनकी जगह पर स्थापित की गई, लेकिन उन्हें कपड़े से ढका हुआ था। सावन के आखिरी सोमवार पर रात के समय सप्तऋषियों की सभी सातों प्रतिमाओं का अनावरण कर दिया गया। उन्हें विधि विधान पूर्वक पूजन पाठ करके स्थापित कर दिया गया है। अब ये प्रतिमाएं आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दी गई हैं, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में काफी खुशी का माहौल है। कर्नाटक के हवेरी में पटाखों के एक गोदाम में आग लग गई, जिससे उसमें रखे करीब 1 करोड़ रुपए के पटाखे जलकर राख हो गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उस गोदाम से धुएं का गुबार उठता नजर आया, जिसे देखकर वहां हड़कंप मच गया। तस्वीरों में दूर से ही उस गोदाम से आग की लपटें उठती दिखी, जिन पर दमकल की गाड़ियां लगातार पानी की बौछार करती नजर आईं। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि आग से उस गोदाम में रखे करीब 1 करोड़ के पटाखे जलकर राख हो गए और यही वजह रही कि उस गोदाम से कई घंटों तक धुआं उठता रहा। इसके साथ ही वहां खड़ी 3 गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गई। हालांकि गनीमत यह रही कि जिस वक्त उस गोदाम में आग लगी वहां कोई मौजूद नहीं था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, आज अधीर रंजन चौधरी संसदीय समिति के सामने पेश होंगे। उन्हें समिति ने सस्पेंशन के मामले पर अपनी सफाई देने के लिए 30 अगस्त यानी कि आज तलब किया था। उन्हें मॉनसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान असंसदीय व्यवहार के आरोप में सदन से निलंबित किया गया था। और बड़ी खबर रूस से, रूस के 6 प्रांतों में भीषण हमले किए गए हैं। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन की फौज ने ब्रयांस्क, स्कोफ, कलुगा, रिजाइन और आयरोल इलाके में ताबड़तोड़ बमबारी कर दी है। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन पर क्राइमिया पर एक के बाद एक ड्रोन अटैक करने का दावा भी किया है। मध्य प्रदेश के मुरैना से मारपीट का हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें 3 लोग एक बुजुर्ग और उनके बेटे पर लाठी से हमला करते दिखे। पुलिस के मुताबिक उनके बीच पैसे के लेन देन पर विवाद हुआ, जिसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। वो तीनों आरोपी लाठियों से बुजुर्ग और उनके बेटे को पीटने लगे। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें लाठी की मार से बचने के लिए वो दोनों भागते नजर आए। हालांकि बाद में उस बुजुर्ग और उनके बेटे ने तीनों आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक वीडियो में पिटाई कर रहे 2 लोगों से उस बुजुर्ग ने कुछ दिन पहले रुपए उधार लिए थे, जिन्हें वो वक्त पर नहीं चुका सके और उसी वजह से विवाद हुआ, जो हाथापाई तक पहुंच गया, जिसके बाद आरोपियों ने बुजुर्ग पर लाठी से हमला कर दिया। इधर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें वो घोड़े की सवारी करते नजर आए हैं। वो वीडियो बागेश्वर धाम का ही बताया गया, जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उस घोड़े को दुलारते दिखाई दिए। इस दौरान कई भक्त उनके पास खड़े दिखे। घोड़े को दुलारते हुए धीरेन्द्र शास्त्री उस पर सवार हो गए और फिर उसी जगह पर कुछ दूरी तक घोड़े की सवारी भी की। इस दौरान धाम में मौजूद भक्तों की भारी भीड़ काफी उत्साहित दिखाई दी। बताया गया कि हवन पूजन करने के बाद जब धीरेन्द्र शास्त्री पंडाल से बाहर आए तो घोड़े को देखकर उसको दुलारने लगे और फिर उसकी सवारी भी की। हालांकि इस दौरान उनके सुरक्षा गार्ड लगातार उन्हें घेरे में लिए रहे, लेकिन घोड़े की सवारी करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ वहाँ मौजूद दिखी है।